अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। IMS BHU में एम्स जैसी सुविधा को लेकर प्रोफेसर और डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि ये किस तरह की सुविधा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। IMS BHU में एम्स जैसी सुविधा को लेकर यहाँ के प्रोफेसर ओम शंकर ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर IMS अधिकारियों पर सेंटर फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब को बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रोफेसर ओमशंकर ने लिखा कि रोज इलाज को आने वाले हजारों मरीज की सबसे बड़ी समस्या है लंबी लंबी लाइन और जांच में पूरे दिन भटकने में गुजार देना। कई लोग इसी डर से BHU में चाहते हुए भी इलाज करवाने नहीं आते। इन्हीं सबके बीच एक विभाग तेजी से विकसित हो रहा है जो लैब मेडिसिन है। इसी तरह स्मार्ट लैब से पलक झपकते ही एक ही जगह संकलित सैंपल से सैकड़ों टेस्ट कराए जा सकते हैं। प्रोफेसर ओम शंकर ने लिखा कि यह तकनीक न केवल मरीजों को दिन भर जांच के लिए इधर उधर भटकने से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि कम समय और कम खर्चे में ही कई तरह की जांच भी हो जाती है। एक तरफ एम्स के अधिकारियों ने अपने यहाँ मरीजों की असुविधाओं को देख वन स्टॉप स्मार्ट लैब लगवा दिया है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र स्थित IMS BHU के अधिकारी CCI लैब को ही बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यही एम्स जैसी संस्थानों और यहां काम करने वाले अधिकारियों की सोच में फर्क है। प्रोफेसर के पोस्ट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये मुख्य मुद्दा ये है कि पूरे देश में जिस तरह का निजीकरण चल रहा है, उसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य के निजीकरण का मसला चल रहा है। कोई भी निजीकरण जो है वो आम जनता के जीवन जीने के अधिकार को उनसे छीनता है। स्वास्थ्य शिक्षा जैसी जो मूलभूत मौलिक सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति टैक्स देता है, हर आदमी सरकार को इसलिए चुनता है कि वो अपने जीवन जीने के सम्मान से जीने का और दो वक्त के रोटी सम्मान से खाने का संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जीवन जी पाए। और इस अधिकार को अगर कोई भी सरकार छीनती है तो आम जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना चाहिए और उनके विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। और दो तरह की चीज़ें हैं, एक है नई टेक्नोलॉजी द्वारा समस्याओं का समाधान, दूसरी तरफ है समाज जो सरकारी संस्थाओं हैं उसका निजीकरण और उसको ग्रेजुअल रूप में बेच देना, जो कतई भी संस्था नियम कायदे कानून के अनुसार नहीं है। और अगर मेडिकल बिल को भी आप देखेंगे तो वो भी इस सरकारी संस्थानों के किसी जांच या किसी चीज़ के निजीकरण के विरुद्ध में उनके निर्णय हैं। इसलिए हम या आम जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। और अभी कोरोना जैसे मुद्दे में आपने देखा कि इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, तो हमारे समझ से हर लोगों को इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन को लेकर डॉक्टर ओम शंकर ने केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर आम जनमानस के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो वो पूरी तरीके से तैयार है आंदोलन करने के लिए। प्रभासाक्षी से आरती पांडे, बनारस।